इंदौर शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रीन कैटेगरी के अस्पतालों में भी 15% बेड आरक्षित रखने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दे दिए हैं। इंदौर शहर में 28 निजी अस्पताल ग्रीन कैटेगरी में हैं, जिन्हें प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा। पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो आने वाले समय में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हम ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में CHL हो गया, FL हो गया, चुइथराम हो गया, इस तरह के अस्पतालों पे हम लोग लेने के लिए कार्रवाई करेंगे, जैसा कि आज निर्णय हुआ है। साथ ही साथ अभी एक ऑर्डर करके जो अन्य ग्रीन अस्पताल हैं, क्योंकि अब कोरोना जब तक वैक्सीन नहीं आती, दवाई नहीं आती, तो उसी के साथ ही सबको रहना है। सभी अस्पतालों में जो नॉन कोरोना पेशेंट्स भी आते हैं, ग्रीन कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, कई प्री ऑपरेशन जब उनके टेस्ट होते हैं कोविड के पॉजिटिव निकलते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग एक ऑर्डर कर रहे हैं। बीच में हम लोगों ने कुछ अस्पतालों को ऑर्डर किया था, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल, मेदांता, अपोलो, कि आप 7-8% बेड्स अपने इसको रखेंगे आइसोलेशन में कोविड ट्रीटमेंट के लिए। अभी उन अस्पतालों के साथ साथ अन्य और 8-10 अस्पताल हम लोग ले रहे हैं, तो लगभग ऐसे 15 अस्पताल हो जाएंगे जो बड़ी कैटेगरी के हैं, कि वो 10-15% का फिगर जैसा भी कमीशन साहब निर्णय लेंगे उसको हम लोग रिजर्व करा रहे हैं कि इतने बेड्स आप आइसोलेशन में रखिए। उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे पेशेंट जो पेमेंट बेसिस में एक बड़े अस्पतालों में जाना चाहते हैं, उससे पूर्ति होगी। प्लस अगर आवश्यकता पड़ती है, जैसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स लिए थे हम लोगों ने, उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे हम लोग नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्वायर कर सकते हैं। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक 6,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसको देखते हुए प्रशासन ने शासकीय और शहर के 2 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 28 ग्रीन कैटेगरी के अस्पतालों में भी 15% बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। गोकुलदास सुरेश हॉस्पिटल और SNG जैसे शहर के कई अस्पताल ग्रीन अस्पतालों की श्रेणी में आरक्षित किए गए हैं। इन अस्पतालों में कुल बेड की संख्या के 15% अब कोरोना वायरस के लिए आरक्षित रहेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश अनुसार सभी ग्रीन कैटेगरी के अस्पतालों को प्रशासन के आदेश का पालन करना अनिवार्य रहेगा। दरअसल इन अस्पतालों में एडमिट पेशेंट की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन्हें किसी अन्य हॉस्पिटल में रेफर नहीं किया जाएगा। अब इन्हीं हॉस्पिटलों में इनका इलाज होगा। शहर के ग्रीन कैटेगरी के 28 अस्पतालों में 15% के हिसाब से करीब 498 बेड आते हैं, जो अब से हमेशा कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित हैं। सरकार से कल एक आदेश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने हमें 15% बिस्तरों को कोविड के लिए रिजर्व करने के लिए कहा गया है। क्योंकि हमारा 45 बेडेड हॉस्पिटल है, तो हमें 7 बेड उसके लिए चिन्हित करने के लिए कहा गया है, और वो लिस्ट कलेक्टर ऑफिस से जारी हुई। ये डिसीजन जो है, ये सरकार ने हॉस्पिटल्स के हिसाब से और पेशेंट्स के हिसाब से लिया, ताकि वो 4 जगह चक्कर लगाने के बजाय एक ही जगह पर जहाँ पर हैं वहीं के वहीं ट्रीट हो जाएं। बट इसमें ज़रूर से एक रिस्क बनी रहती है कि जो दूसरे नॉर्मल पेशेंट्स हैं, यदि सब तरफ कोविड बेड्स आ जाते हैं, तो उससे एक कंटेमिनेशन का रिस्क बना रहता है। इंदौर में निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीज कोरोना वायरस आते हैं तो उन्हें अब उसी अस्पताल में इलाज मिलेगा। हालांकि इसके लिए पूरा पैसा मरीज को ही चुकाना होगा। कहीं लोगों के बीच में ऐसी चर्चा है कि अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोरोना का इलाज कराएंगे तो उसका पैसा कौन देगा, ऐसा आपके पास क्या गाइडलाइन है? हमारे पास तो अभी फिलहाल यही गाइडलाइन है कि जो भी कोरोना के पेशेंट्स एडमिट होते हैं, यदि उनका चार्जेस वाला जो पार्ट है वो पेशेंट से ही लिया जाए।